हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अंजना भारती के ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, तो अभी एक डायरिया पेशेंट आया है, तो हम लोग यहाँ पे उनको आईवी लगाएंगे। तो इसमें है, देखिए, सबसे पहले डोटिन देंगे, ये ऑनडोम है, और ऑनडोम ले लिए, यहाँ लोड हो रहा है। इसके बाद इंडाजॉल, इसके बाद आरएल, देखिए आरएल, इसको भी हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो चलिए पेशेंट को भी आपको दिखाते हैं। सारा लोड है, चलिए। और हम लोग यहीं पे सेट कर ले रहे हैं, गणपत भैया सेट कर रहे हैं, और इधर फुल कुमारी जी इंजेक्शन को लोड कर दी। तो कैसे लोड करना है देखिए, आप सीख लो तुम लोग। जैसे इसको छेद किए, हो गया, इसको फिर अभी इसको बंद करना है, दूसरा देना है, तब कैसे करेगी? इसको निकालना है, इसको धर के ठोक देना है। अगर स्लाइन चेंज होगा तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे करना है। छेद है तब ना, तो दूसरा सब बंद रहता है, या नहीं है कैप, इसको ठोक देना है, पैक हो गया ये। अच्छा, याद रखना है ये। अच्छा ट्रिक है, बता दें। हाँ, तो ये सब ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि भैया बताए। अगर आपको, जैसे हम लोग दो अभी स्लाइन सेट करेंगे, ट्रिन डाल जॉल, इसका तो बड़ा छेद हो गया। इसमें एक ही कर रहे क्या होगा? ठीक है ना, एक बार ऑन करिए ना। देखिए, जैसे कि ये मतलब अगर आपको दूसरा सेट लगाना है तो उसको खोलने का ये ट्रिक है। इसमें आप कैप लगा दीजिएगा इस तरह से, जैसे यहाँ लगाए हैं, भैया दिखाइए, ये लगाए हैं, तो इसी तरह से कैप हम लोग सिरिंज का जो कैप होता है उसको लगा दिए। इसके बाद चेंज करना है। अगर इनकेस कभी अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अभी कर रहे हैं, क्लियर कैसे करना है देखिए, वो भी सीख लीजिए। खोलने के लिए तो तुम्हारा हाथ में था, हमारा कर जाता था भगवान, अब देखो जरा सा समझदारी नहीं। तो यहाँ पे स्लाइन सेट को क्लियर कर रहे हैं। इस टाइप से क्लियर आपको कर लेना है। तो जिनको स्लाइन सेट करने आता है तो ये उन्हीं के लिए है, देख लीजिए ऐसा। और बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये सरकारी नर्स हैं। तो दोस्तों, सरकारी नर्स हैं हम लोग, यहाँ निःशुल्क भाव से अपना सेवा देते हैं, ना यहाँ कुछ ही किया जाता है। तो जिस परिस्थिति में भी आते हैं पेशेंट, हम लोग अपना केयर नहीं करते, वो उनको केयर करते हैं। तो ऐसा कमेंट बिल्कुल ही ना करें कि जांच का विषय होना चाहिए, आप लोग सरकारी हैं। तो सरकारी में नहीं, स्वार्थ भाव से यहाँ सेवा किया जाता है। और प्राइवेट में गेट में इन करिएगा, वहां से पैसा जो शुरू होता है, पता नहीं अगर वो डेथ भी हो जाता है तो पैसा से ही सारा चीज होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पेशेंट को हम लोग अभी आईडी सेट करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ इसको हैंग कर दिए हैं, और पेशेंट यही है, डायरिया वाला फीमेल है। तो इन्हीं को कितना बार हुआ है? डेढ़ बजे रात से, यही 20 बार हो गया। 20 बार? तो 20 बार में आप चल कैसे रहे हैं? पकड़ के लाया मम्मी लोग। अच्छा, रात भर यहाँ खुला रहता है? अरे मेरा तो बिहार जगह नहीं है। घर कहाँ हुआ? बाप रे बाप, आपका तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासुकीनाथ, और पेशेंट भी बासुकीनाथ का, तो आ जाना चाहिए। मुट्ठी बांधिए। तो देखिए प्रॉपर तरीके से, देखिए किस तरह से आईवी सेट करना है, पूरा बारीकी से आज आपको बता रहे हैं। ऐसे तो आप देखे हैं वीडियो, लेकिन आज बारीकी से बता रहे हैं कि किस तरह से आपको पकड़ना है। कस के मुट्ठी बांध, कस के जितना शरीर में ताकत है बांध दो, उसे करके टाइट कर। लगाए क्या? हाँ, लगा।
तो देखिए इस तरह से ऊपर थोड़ा तेल मालिश करने फिर चलता है पूरा तेल लगा के आई है एकदम नहीं नहीं पकड़िए वहीं पे लगाएंगे पकड़ वहीं पकड़ी पकड़ी कभी कभी तेल लगाने से हो जाता है और थोड़ा सा पानी से पोछे इसको तेल बहुत लगाइए पंखा चल रही है हो गया ना चलो तो देखिए इस तरह से निकल लेना है ठीक है ना कतरा नहीं ना धीरे 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 आराम से धीरे वाह बस बिल्कुल नहीं करना है ठीक है इसको दे दो के बाद जो भी इंजेक्शन रहेगा सारा स्लाइड में दे देना है इसका सिरिंज से लगा रखना चाहिए और दूसरा इसी तरह से हाथ को हिलाने नहीं देना उसका ठीक है पकड़ के रखना हाथ हिलाना नहीं आराम से रहेगी नॉर्मल एकदम इसको डेली खाली पेट खिलाना ठीक है आज नहीं कल खिलाएगी सुबह सुबह इसको डेली सुबह शाम ठीक है आज ये खत्म हो जाएगा खिलाने के बाद खिलाना इसको डेली ये गोली करके इसको एक लीटर पानी में एक पिया घोलना है उसके बाद पीना है पिया खत्म हो जाएगा तब इसको घोल के पीना है बुझी गला तो ये अभी बूढ़ी माता को अभी हम लोग आई भी लगाए इनको भी लूज मोशन हो गया है अभी सीजन ही वैसे चल रहा है लूज मोशन का तो अधिकतर पेशेंट वही सब आ रहा है अभी क्या लगती है हाँ टिंडा जल तो दोस्तों अभी ये जो आप थोड़ी देर पहले देखे थे इनको लगाए थे हम लोग आरएल डायरिया पेशेंट है तो अभी इनको टिंडा जल इसका सेट चेंज हो रहा है अभी टिंडा जल लगेगा तो कैसे इसको चेंज करना है चलिए यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे इसको नीचे करना है यहाँ लॉक हो गया इसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे चेंज कीजिए थोड़ा सा इसमें फास्ट करना रहता है तो जहाँ पे उसका निशान बना हुआ होल का वहीं पे करना है तो फिर इसको खोल देना खोल दीजिए और वहाँ पे प्रिक कर देना है वो वाला निडल से प्रिक करिएगा जो रखे थे या नीचे नीचे बोतल नीचे है वही नीचे बोतल देखिए उसी में है नीडिल तो इसको आप ले लीजिए फिर इसी से प्रिक कर दीजिए दो तीन होल कर दीजिए ना और एक ठो करिए आदमी दूसरा बोतल लगा दो आदमी दूसरा बोतल लगा दो तो इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आराम से थोड़ा सा इसको तेज नहीं करना है देखिए कहाँ तक है स्लो जाएगा तो इसी तरह से आपको चेंज करना है।